हेलो फ्रेंड्स, चैनल स्टडी गाइड में आप सभी लोगों का एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, सीबीटी 1 ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है और कुछ बच्चे का एग्ज़ाम अभी बचा है। ठीक है, 29, 30, 31 में कुछ बचा है और कुछ जो नेचुरल कैलामिटी की वजह से उसका एग्ज़ाम जो सितंबर में कुछ होगा। तो लेकिन जिस बच्चों का एग्ज़ाम हो गया, ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है, उनके लिए हम कुछ टिप्स यहाँ पर देने वाले हैं। ठीक है, तो हम सिलेबस का पूरा डिस्कशन करेंगे और कहाँ कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ पढ़ना है और क्या क्या बुक फॉलो करना है, ये हम बताते जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बार देख लेते हैं पहले सीबीटी 2 का सिलेबस क्या है। ठीक है, ये जनरल नोटिफिकेशन नंबर 01/2018 है, आप देख सकते हैं। देखिए, ये रहा फर्स्ट, ओके, यहाँ से शुरू होता है सीबीटी 2। द सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 शैल हैव टू पार्ट्स। ठीक है, ये देखिए पार्ट ए एंड पार्ट बी। अब देखिए, ये एग्ज़ाम पार्ट ए और पार्ट बी एक ही दिन में होने वाला है। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन पार्ट ए होगा, एक दिन पार्ट बी होगा, ऐसा नहीं होने वाला है। ये टोटल देखिए, टोटल ड्यूरेशन दे दिया हुआ है 2 hours and 30 minutes फॉर पार्ट ए एंड पार्ट बी। ठीक है, तो जितना हमारी तरफ से इंफॉर्मेशन है कि ये पार्ट ए एंड पार्ट बी जो है वो एक ही दिन में होने वाला है। ठीक है, पार्ट ए में क्या होगा, पार्ट ए का ड्यूरेशन रहेगा 90 मिनट्स यानी डेढ़ घंटा और नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा 100। यहाँ पर आपको कहाँ पर स्ट्रेस देना है ये हम बताते जाएंगे। और जो पार्ट बी है वो 60 मिनट्स का होगा। ठीक है, पार्ट बी है 60 मिनट्स का होगा। अब पार्ट बी जो है, देखिए पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग है, सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, और सिर्फ क्वालिफाइंग है। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि पार्ट ए में आप जितना भी स्कोर करें उससे ज़्यादा फायदा है कि आप पार्ट बी में ये क्वालिफाइंग मार्क्स कम्प्लीट कर ले पहले। तो ठीक है, पहले हम पार्ट बी ए के लिए भी बताएंगे, बी के लिए भी पूरा सिलेबस बताएंगे। तो पहले हम पार्ट बी के लिए बात करें कि पार्ट बी ने बोला है 35% आपको मिलना चाहिए कि आप नो रिलैक्सेशन। ठीक है, आपका कोई रिलैक्सेशन यहाँ पर मिलने वाला नहीं है। ठीक है, आप अनरिजर्व्ड हो यानी कि या ओबीसी हो तो ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहाँ पर थोड़ा बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम चले जाते हैं फर्स्ट पार्ट ए पे। ठीक है, पार्ट ए ने क्या बताया है, पार्ट ए पे है मैथमेटिक्स, जनरल जीआई, रीजनिंग और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर्स। देखिए यहाँ पर 25 25 25 25 रहेगा। ठीक है, 25 25, देखो दो तरह के बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ठीक है, पार्ट बी में एक जो जाएंगे टेक्नीशियन के लिए, ठीक है, और एक बच्चे जाएंगे जो एएलपी के लिए, एक जाएंगे टेक्नीशियन के लिए, एक जाएंगे एएलपी के लिए। तो टेक्नीशियन के लिए जो बच्चे जाएंगे उसके लिए सीबीटी 3 बोल के कोई एग्ज़ाम नहीं होगा, यही इसका फाइनल एग्ज़ाम होगा। तो टेक्नीशियन के लिए कट ऑफ थोड़ा हाई रहता है, जो भी कट ऑफ रहता है एएलपी के लिए उससे थोड़ा टफ, थोड़ा हाई रहता है टेक्नीशियन के लिए। ठीक है, आप किसी भी बोर्ड से एग्ज़ाम दो, ठीक है, आप दिल्ली से एग्ज़ाम दो या आप रांची से एग्ज़ाम दो, कि ये बात 100% एक्यूरेट होता है हर एक सेंटर से। ठीक है, हर एक सेंटर से होता है कि टेक्नीशियन का जो कट ऑफ होता है उस थोड़ा हाई रहता है एएलपी के। ठीक है, क्योंकि एएलपी के लिए भी फिर और एक स्टेज है। ठीक है, तो उससे भी 1:15 रेशियो में ही बुलाया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा मुद्दे की बात। अभी जिस एरिया पे आप लोग स्ट्रेस देंगे, ठीक है, ये बताता जाऊंगा। पहले रहा मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स जो आ रहा है रेलवे पे, ठीक है, वो थोड़ा बहुत देखिए 25 out of 25 questions उसमें 20 questions तो आसान रहेगा, 5 जो रहेगा वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, टफ नहीं टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। ठीक है, तो उसको कंसेप्ट से आपको करना पड़ेगा, उसको कंसेप्ट से आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा स्ट्रेस देते, ठीक है, मैथमेटिक्स में आप थोड़ा स्ट्रेस दीजिए क्योंकि मैथमेटिक्स एक स्कोरिंग पेपर है। जीआई जो आ रहा है, ठीक है, अभी जो जीआई आ रहा है वो जीआई क्या आ रहा है, स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एजम्पशन, स्टेटमेंट कंक्लूशन। ठीक है, तो ये जो सारे जीआई आ रहा है, ठीक है, और कुछ जीआई आ रहा है वो कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ऑपरेशन,
ठीक है, रिलेशन से, और कुछ आ रहा है ब्लड रिलेशन से, कुछ आ रहा है वेन डायग्राम से। तो ये तो जो आईटी, देखिए एग्ज़ाम तो है आईटीआई और डिप्लोमा लेवल के, ठीक है। तो मैं आईटीआई डिप्लोमा और बीटेक के लिए कहूँगा, बीटेक तो थोड़ा बहुत बैंक के लिए प्रिपरेशन करता है, तो उन लोगों के लिए एनालिटिकल रीजनिंग थोड़ा बहुत ईजी होता है, लेकिन आईटीआई और डिप्लोमा पूरा साल भर ये बैंक के लिए प्रिपरेशन नहीं करते, ठीक है। तो उन लोगों के लिए अभी ये एनालिटिकल रीजनिंग के ऊपर स्ट्रेस देना कोई इंटेलिजेंट काम नहीं होगा, ठीक है, ये मैं बोल सकता हूँ। आप यहाँ पर जो स्ट्रेस है आप वहाँ पर स्ट्रेस दीजिए, ठीक है, नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ऑपरेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन, वेन डायग्राम, ठीक है। इस अभी स्टेटमेंट कंक्लूशन, स्टेटमेंट डिसीजन मेकिंग, इस पे ऊपर अगर आप बहुत सारा स्ट्रेस देंगे तो आपका मेन एरिया का सब फोकस हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपका लॉजिक, अगर एग्ज़ाम हॉल में आपका लॉजिक कुछ गड़बड़ हो गया तो गया, ठीक है, एक तो नेगेटिव मार्किंग रहेगा, फिर एक नॉर्मलाइजेशन भी रहेगा, ठीक है। तो इससे ध्यान देना, इसमें थोड़ा सा मैं कहूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट ना करें, ठीक है, जो लॉजिक आपको पता नहीं है, जो आपको कन्फर्म नहीं है, तो वो अटेम्प्ट ना करने से अच्छा है, ठीक है। आपको स्कोर जो करना है वो मैथ्स से स्कोर करना है, आपको जो स्कोर करना है यहाँ पर बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग से स्कोर करना है। यहाँ पर क्या क्या है हम बोल देते हैं एक बार, इंजीनियरिंग ड्राइंग का प्रोजेक्शन व्यू, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन जो है वो बहुत से फर्स्ट प्लेन, सेकंड प्लेन से बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो हम दिखा देंगे यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन आ सकता है और ये आता भी है, ठीक है। और क्या क्या है, यूनिट है, मेजरमेंट है, ठीक है, यूनिट एंड मेजरमेंट का आपको डायमेंशन भी बहुत अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, मास, वेट, डेंसिटी पढ़ना पड़ेगा, वर्क पावर एंड एनर्जी, ठीक है, वर्क पावर एनर्जी से बहुत सारा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, सीबीटी 1 का जो पैटर्न है उसमें वर्क पावर एनर्जी से बहुत सारा पैटर्न क्वेश्चन आने वाला है। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी में क्वेश्चन आएगा, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ से रिलेटेड है। हीट एंड टेम्परेचर का कुछ बेसिक, हीट एंड टेम्परेचर का बेसिक मतलब थर्मोडायनेमिक्स का बेसिक कुछ पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ बेसिक पढ़ना पड़ेगा, लीवर एंड सिंपल मशीन का कुछ बेसिक आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है इसके ऊपर हम बहुत सारे वीडियो हम लेके आएंगे, क्योंकि ये तो सभी बच्चे का कॉमन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक, आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक हो, आप ऑटोमोबाइल हो, आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप फिटर का हो, तो ये बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग सभी में कॉमन है, ठीक है। तो इससे आप स्कोर कर सकते हैं, स्कोरिंग एरिया है, ठीक है। जीआई अभी स्कोरिंग एरिया नहीं है, जीआई का पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है, अभी आईटीआई का एक बच्चे के लिए, डिप्लोमा का एक बच्चे के लिए ये जो जीआई आ रहा है ना बैंक लेवल का, बैंक पैटर्न का, ये बैंक लेवल का जो, ठीक है, अभी मान लीजिए कि ये बैंक का क्लरिकल लेवल का ही आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि वो साइंस के बच्चे वो सब प्रैक्टिस नहीं करते, ठीक है, हर साल में साल भर। और यहाँ पर करंट अफेयर्स, तो करंट अफेयर्स आप देख सकते हैं कि 2017 से भी करंट अफेयर्स आ रहा है, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पोर्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्सनालिटी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, किसका सीईओ कहाँ पर है इसमें आ रहा है। रियल इकोनॉमिक्स के ऊपर, पॉलिटिक्स के ऊपर नहीं, हिस्ट्री जियोग्राफी से भी क्वेश्चन आएगा, ऐसा लिखा नहीं है, अदर सब्जेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन लिखा हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ओनली पॉलिटिकल और इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन आएगा, ठीक है, क्वेश्चन हिस्ट्री जियोग्राफी से भी आने वाला है, ऐसा नहीं, ठीक है। और यहाँ पर जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आएगा, ठीक है, इस सेक्शन में जनरल साइंस से भी क्वेश्चन आएगा, इस सेक्शन में बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं, यहाँ पर जितना सारा चैप्टर लिखा हुआ है उससे भी क्वेश्चन आएगा, और यहाँ पर बेसिक साइंस से क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि ये कॉमन हो चुका है अभी, ठीक है। तो ये रहा पार्ट ए, ये पार्ट ए में जो नंबर आपको मिलेगा यही आपका स्कोरिंग होगा, पार्ट ए में जो नंबर आपको मिलेगा वही आपका स्कोरिंग होगा, और वही आपका रैंक भी डिसाइड करेगा, अभी पहले तो हम बोलना चाहते हैं कि ये रैंक डिसाइड करेगा, तभी जबकि आप पार्ट बी क्वालिफाई कर चुके हैं, ठीक है। अब पार्ट बी आप अगर क्वालिफाई नहीं करें, ठीक है, हम पार्ट बी का सिलेबस देख लेते हैं, पार्ट बी का पूरा एनालिसिस हम करेंगे। अगर आप यहाँ पर क्वालिफाई ना ही करे पार्ट बी पे, तो आपका पार्ट ए का जो कॉपी है वो एवोल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। तो आउट ऑफ 75, ठीक है, आउट ऑफ 75 का 35% कितना होता है, 30% कितना होता है, 7.5 इंटू 3 मतलब 22.5, और 22.5 प्लस 7.5 3.75 यानी 4 26.5, यानी कि आपका 28, ठीक है, आपका 28 से 30 आपको मिलना है, ठीक है, फिर भी एक नॉर्मलाइज स्कोर रहेगा, आपको गलतियाँ
नहीं करने हैं, यहाँ पर आपको गलतियाँ यहाँ पर नहीं करना है। तो क्वालिफाइंग है 35%, तो ऑलमोस्ट आपको 28 आपको मिलना चाहिए। तो क्या बोला है, दिस पार्ट इज द क्वालिफाइंग इन नेचर एंड शैल हैव क्वेश्चन फ्रॉम द ट्रेड सिलेबस। ठीक है, ये पूरा ट्रेड सिलेबस है। और ये जो ट्रेड सिलेबस है, तो रेल घुमा फिरा कर क्या बोला, घुमा फिरा कर बोला डायरेक्टर जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग। ठीक है, इसका सिलेबस हम अभी आप लोगों को दिखा रहे हैं। ठीक है, तो पहले बोले ये डीजीईटी का सिलेबस, डीजीईटी का सिलेबस कौन फॉलो करता है, वो आईटीआई वाले फॉलो करता है। अभी देखिए यहाँ पर जो है थोड़ा आईटीआई का एडवांटेज मिलने वाला है, क्यों, क्योंकि आईटीआई ने डीजीईटी सिलेबस तो उनके दो साल में ये, ठीक है, उनके दो साल में ये पढ़े हो गए। ठीक है, लेकिन जो डिप्लोमा और बीटेक है वो कुछ डिफरेंट सिलेबस है, उन लोगों का सिलेबस कुछ थोड़ा डिफरेंट है, इन लोगों का सिलेबस कुछ थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है, देखिए कैंडिडेट्स विद आईटीआई और ट्रेड अप्रेंटिसशिप क्वालिफिकेशन विल बी रिक्वायर्ड टू अपियर इन द सेक्शन हैविंग क्वेश्चन फ्रॉम द रिलेवेंट ट्रेड। ठीक है, कैंडिडेट्स होल्डिंग डिग्री डिप्लोमा, तो आपके पास डिग्री हो सकता है, आपके पास डिप्लोमा भी हो सकता है, आपके पास एचएस डिग्री भी हो सकता है। फॉर द ऑल पोस्ट ऑफ एएलपी हैव टू सिलेक्ट रिलेवेंट ट्रेड फ्रॉम द ट्रेड लिस्ट। ओके, आपको रिलेवेंट ट्रेड से ट्रेड लिस्ट सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी जितने सारे बच्चे इलेक्ट्रॉनिक का है तो उन लोग तो शायद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक ही चूज़ करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जो चूज़ करेंगे उनके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो एट द लेटेस्ट अगेंस्ट देयर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एचएससी द ट्रेड सिलेबस कैन ऑप्टेन फ्रॉम द डीजीईटी वेबसाइट। तो हम चले जाते हैं डीजीईटी वेबसाइट में और डीजीईटी वेबसाइट से देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का सिलेबस क्या है। ठीक है, तो हम चले आए इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक का जो सिलेबस है। ठीक है, आप ये पीडीएफ dget.nic.in से भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, dget.nic.in से डाउनलोड कर सकते हैं सिलेबस फॉर द ट्रेड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक सेमिस्टर पैटर्न। ठीक है, आपका जो सिलेबस फॉलो करना है, जो बुक फॉलो करना है, वो भी हम यहाँ पर बता देते हैं। ठीक है, एक बुक हम बता देते हैं। ठीक है, रीडिजाइन इन 2014, आपको जो बुक खरीदना है वो 2014 का जो नया सिलेबस है उसके बाद ही खरीदना है। ठीक है, उसके बाद खरीदना है। तो हम एक बार कोशिश करते हैं। देख सकते हैं हम amazon.com पे आ गए। ठीक है, आप किसी भी वेबसाइट से खरीद सकते हैं। ठीक है, ऑनलाइन वेबसाइट हो या किसी भी आपका नियरेस्ट बुक स्टोर हो, वहाँ से आप खरीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको अमेजन से ही खरीदना है। ठीक है, मैं आपका वीडियो जो है वो आप खुद की ईमानदारी से बनाता हूँ। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो है। ठीक है, मैं एक बुक आपको बोलने जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, आप जा सकते हैं मैकेनिक। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक बुक्स। ठीक है, इसमें एक बुक मिलेगा, ये देखिए ये वाला बुक देखिए, इसका नया वर्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये शायद एशियन पब्लिकेशन से है। ठीक है, सेमिस्टर वन देखिए, ये मुझे लगता है कि और भी सारा बहुत सारा बुक है, इनके एडिटोरियल बुक है। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है ये बुक जो है ये कुछ स्टैंडर्ड है, अप टू द स्टैंडर्ड। मैं कहूँगा 100% स्टैंडर्ड नहीं है, फिर भी 80% स्टैंडर्ड तो है। ठीक है, और मैं जो बोलता हूँ कि ये मैं ओपन इमेज इन ए न्यू टैब देख सकते हैं, इसका इमेज थोड़ा एक बार देख लीजिए, ऐसा इतना छोटा क्यों हो रहा है। ठीक है, ये तो इमेज, ओके, ये रहा इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक AK मित्तल। ठीक है, ये इमेज ही थोड़ा पिक्सल छोटा है। ठीक है, तो इसलिए ये छोटा होता जा रहा है। तो ये बुक आप बुक स्टोर या किसी भी ऑनलाइन स्टोर से आप खरीद सकते हैं। देखिए ये अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ डीजीटी सिलेबस है। ठीक है, ये अप टू द स्टैंडर्ड ऑफ डीजीटी सिलेबस है, 80% तक तो है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं सिलेबस में क्या क्या है और क्या क्या आपको पढ़ना है और क्या क्या आपको स्ट्रेस देना पड़ेगा। देखिए तो ये रहा ट्रेड प्रैक्टिकल सिलेबस फॉर द ट्रेड प्रैक्टिकल एंड ट्रेड थ्योरी सेमेस्टर वन ट्रेड प्रैक्टिकल। ठीक है, ट्रेड थ्योरी है यहाँ पर। तो देखिए बेसिक कुछ आईटीआई का चीज़ है यहाँ पर, आप स्ट्रेस यहाँ से क्वेश्चन तो यहाँ से जरूर आएगा हैंड टूल्स एंड देयर यूजेस। ठीक है, आप हैंड टूल से क्या क्वेश्चन आएगा, एक टूल्स आपको उठाकर देगा। ठीक है, एक टूल्स का पिक्चर आपको उठाकर देगा और इसका फंक्शन पूछे, एक नाम पूछेगा। ठीक है, रेल में सिंपल इसका नाम पूछेगा और पूछेगा ये हैंड टूल कहाँ से यूज़ होता है, ऐसे पूछेगा। और कैसे पूछेगा इस काम के लिए कौन सा हैंड टूल यूज़ किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें थोड़ा सा एडवांटेज मिलेगा आईटीआई के बच्चे का। अभी जो लोग इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक डिप्लोमा या बीटेक से है तो उन लोगों का ये चीज़ सब पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा। ठीक है,
इसके बाद है बेसिक एसी एंड इलेक्ट्रिकल केबल्स, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं क्या क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज, करंट, बेसिक रेजिस्टेंस कैलकुलेशन, ठीक है, बेसिक कैलकुलेशंस जो था एसी का, बेसिक कैलकुलेशन, तो ये सब तो डिप्लोमा में भी था, बीटेक में। तो यहाँ पर आप स्ट्रेस दे सकते हैं, यहाँ पर आप स्ट्रेस दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर स्ट्रेस देने से आपको फ़ायदा क्या है कि आपका स्कोर हो जाएगा, आपको 30 स्कोर चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं, आपको स्कोर चाहिए। देखिए आप बहुत सारा नया चीज़ सीखेंगे तो उसमें कोई टाइम आपको ज़्यादा लगेगा, लेकिन आपका जो पुराना चीज़ है उसमें अगर आप स्ट्रेस देंगे, ठीक है ना, उसका आपका स्कोर बढ़ जाएगा, ठीक है। आपको 30 मार्क्स पाना है बस, इससे ज़्यादा नहीं, आपको नॉलेज को ही नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बैटर सेल एंड बैटरी, यहाँ पर आप स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि सेल एंड बैटरी मैं कहूँगा, सेल एंड बैटरी, देखो आप डिप्लोमा या बीटेक में हो तो सेल एंड बैटरी आप परे हो, ठीक है, उन सिलेबस में थे है सेल एंड बैटरी, ठीक है, उसमें प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, इससे बहुत सारा जो पॉइंट जो थे वो सेल एंड बैटरी थे, ठीक है, इसलिए इसको स्ट्रेस दो, थोड़ा नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। हम लोग तो कोशिश करेंगे कि जनरल इंजीनियरिंग और इसके ऊपर वीडियो बनाया जाए, ठीक है, ये आपका रिक्वेस्ट क्या रहेगा, ये ठीक है, डिमांड क्या रहेगा, ये हमें पहले जानना है, ठीक है, उसके बाद हम वीडियो बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है ओहम्स लॉ है, ठीक है, ये देखो ये सिलेबस पूरा डिप्लोमा बीटेक में थे, तो यहाँ पर आप स्ट्रेस देंगे तो यहाँ से 10-12 मार्क्स आपको मिल ही जाएगा, ठीक है। देखिए ओहम्स लॉ है, वेरिएबल रजिस्टर है, ठीक है, कलर कोडिंग है, ये आपको मालूम ही होगा, तो कलर कोडिंग का एक क्लास हम ले भी लेंगे। देखिए वाला रेजिस्टेंस है, सीरीज पैरेलल सर्किट है, डिस्ट्रीब्यूशन है, केवीएल है, केसीएल है, ये सब आप डिप्लोमा बीटेक में पढ़ चुके हो। तो इसके सेल पे म्यूचुअल इंडक्शन है, ठीक है, क्यू कॉइल, सीरीज रेजोनेंस, पैरेलल रेजोनेंस, सीरीज सर्किट, पैरेलल सर्किट, म्यूचुअल इंडक्शन, ये सब ही है, ठीक है। इसके बाद कैपेसिटेंस है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंपीडेंस, टाइप ऑफ कैपेसिटर्स, कंस्ट्रक्शन, स्पेसिफिकेशन, तो ये सब डिप्लोमा और बीटेक में थे। तो इस पर आप स्ट्रेस दिए, देखिए इसका जो पैसिव कंपोनेंट का जो एरिया है, देखिए ये बहुत सारा लंबा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ से 10-12 क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, ठीक है। देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले, स्पेसिफिकेशन, कॉयल वोल्टेज, ये सब डिप्लोमा में थे, शायद ये इलेक्ट्रिशियन का बच्चे के थे तो इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक के नहीं थे, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स, मटेरियल्स, प्रिपरेशन, आर्टिफिशियल मैग्नेट, सब थे। ट्रांसफार्मर आपको सिंपल, ये भी सब डिप्लोमा में थे, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, ठीक है, थ्री फेज आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, उसका एप्लीकेशन, उसका स्पेसिफिकेशन कुछ पढ़ना, यहाँ से भी क्वेश्चन आएगा, तो यहाँ पर स्ट्रेस दो, ठीक है, जो पुराना चीज़ है वहाँ पर स्ट्रेस दो, उसमें थोड़ा नंबर कैरी हो जाएगा, ठीक है। एसी एंड डीसी मेजरमेंट, यहाँ पर भी स्ट्रेस दो, रेल मेजरमेंट में बहुत स्ट्रेस देता है, ठीक है। मेजरमेंट का एक एक इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, उसका एप्लीकेशन, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, एप्लीकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स, सीआरओ, ये सब आपको पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्ट्रेस दीजिए, तो स्ट्रेस दे सकते आपको 30 मार्क्स मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये सोल्डरिंग, ठीक है, ये सोल्डरिंग जो है ये कुछ प्रैक्टिकल का चीज़ है, ठीक है ना, तो ये सोल्डरिंग जो प्रैक्टिकल का चीज़ है, इसमें अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन आपको पूछ देगा तो इसमें आपका बहुत सारा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी क्यों है ये मैं बताते जा रहा हूँ, क्योंकि देखिए यह प्रैक्टिकल, अब डिप्लोमा और बीटेक के बच्चे प्रैक्टिकल कम करते हैं, ठीक है, इस आईटीआई के ज़्यादा बच्चे प्रैक्टिस प्रैक्टिकल काम बहुत बहुत ज़्यादा करते हैं, तो ऐसा होता है कि यहाँ पर आप स्ट्रेस मत दीजिए, सिंपल सा कुछ पढ़ लीजिए, ठीक है, लेकिन स्ट्रेस मत दीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रेस देने से आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है, अभी प्रिपरेशन करने का टाइम कम है। यहाँ पर आप स्ट्रेस देख सकते हैं जेनर डायोड, टनल डायोड, वैरेक्टर डायोड, स्पेसिफिकेशन विद एप्लीकेशन, ठीक है, यहाँ पर आप स्ट्रेस दीजिए, ठीक है, ये चैप्टर नंबर 14 और 15 जो है यहाँ पर आप स्ट्रेस दीजिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो सिलेबस है पीएन जंक्शन, फॉरवर्ड रिवर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड करंट, ठीक है, तो यहाँ पर आप स्ट्रेस दीजिए, क्योंकि आपको यहाँ से बहुत फ़ायदा होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या रहते थे, ठीक है, रेगुलेटेड पावर सप्लाई, ये सीरीज का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये ऐसा मैं कहूँगा क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट नहीं कर सकोगे, ठीक है, अगर आप बहुत अच्छी तरह से इसको आईसी रेगुलेटर आपका दिमाग में है तभी आप आंसर कर सकते हो, नहीं तो आपको मालूम नहीं है तो आंसर मत कीजिएगा। और क्या क्या है सिलेबस में देख लेते हैं हम, कंप्यूटर हार्डवेयर, एमएस ऑफिस, ठीक है, आपका अगर यहाँ पर कॉन्फिडेंस है कि आपको मालूम है एमएस विंडोज़, एमएस ऑफिस के बारे में, ठीक है, तो आप यहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हो, ये पूरा सिलेबस में है और डीजीईटी का सिलेबस में है, ये फाइनल सिलेबस, तो आप ये सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हो dget.nic.in, ठीक है, यहाँ से भी आप सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, ये एक्सेल का है, ठीक है, पूरा एक्सेल, पूरा ऑफिस है, देख सकते हैं, यहाँ पर नेटवर्किंग है, ठीक है, आप नेटवर्किंग याद है आपको, नेटवर्किंग का पर है तो आप ही ये आप स्ट्रेस दीजिए, ठीक है, ठीक है, ये रहा सेमिस्टर वन, अभी भी 3 सेमिस्टर बाकी है, ठीक है।
ये रहा ट्रांजिस्टर। देखिए ट्रांजिस्टर है, उसका कंस्ट्रक्शन है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये सब आप डिप्लोमा बीटेक में पढ़े हो तो इसको और स्ट्रेस दो, इसको और स्ट्रेस दो, ठीक है। तो जो जो पुराना चीज़ है उसमें आप स्ट्रेस ऑलरेडी देना शुरू कर दो, क्योंकि सीबीटी 2 जब भी होगा तो यहाँ पर आपका थोड़ा बहुत एडवांटेज मिलेगा। ये रहा ट्रांजिस्टर का एप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें भी स्ट्रेस दो, क्योंकि ये सब डिप्लोमा बीटेक में थे, ठीक है। वेब शेपिंग सर्किट ये भी थे, ऑसिलेटर, हार्टले ऑसिलेटर, कोलपिट ऑसिलेटर, ये भी सब थे, मल्टीवाइब्रेटर, ये सब थे, ठीक है। उन लोगों का सिलेबस में भी ये पूरा है, फेट फेट ट्रायक एस सी आई ट्रायक यूजीटी, तो ये सब ही है, ठीक है। तो ये रहेगा आपका डिमांड के ऊपर, हम कौन सा वीडियो आप बोलेंगे कि आप वीडियो ले आओ, ठीक है। तो इस आपका डिमांड वीडियो डिमांड के ऊपर हम वीडियो लेके आएंगे, ठीक है। ये रहा मॉसफेट आईजीबीटी, ठीक है, आईजीबीटी डिफरेंट ट्रांजिस्टर आईजीबीटी, ठीक है। ये सब सिलेबस में है। और यहाँ पर स्ट्रेस दो, देखो इतने सारे चीज़ के ऊपर आपका स्ट्रेस आप देते हो तो आपका 30 मार्क्स तो मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि नया नया चीज़ आपको बहुत सारे पढ़ना है, ठीक है। जो चीज़ आप पहले नहीं पढ़े हो तो उनके ऊपर आप स्ट्रेस दोगे तो उससे टाइम बहुत लगेगा और आपका प्रिपरेशन में थोड़ा बहुत दिक्कत तो आएगा, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। देखिए वर्किंग ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एलईडी ऑप्टिकल सेंसर ऑप्टोकपलर्स, ठीक है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर SMD टेक्नोलॉजी। आप SMD टेक्नोलॉजी आप लोगों को थोड़ा बहुत तो मालूम है, लेकिन इसका पूरा कैसे करते हैं, कैसे लेते हैं, पूरा क्या है, तो इसमें आप स्ट्रेस मत दो, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रेस दो बेसिक लेवल, यहाँ पर बेसिक डिगेट से, क्योंकि आपको ये पूरी चीज़ पूरा मालूम है, ठीक है। क्या है लॉजिक फैमिली, क्या है डिजिटल सर्किट, DTL लॉजिक क्या है, CMOS लॉजिक क्या है, कॉनफास्ट का काम करता है, ECL लॉजिक क्या है, ठीक है। डेसिमल बाइनरी हेक्साडेसिमल कोड क्या है, इसका इंटर कन्वर्शन कैसे करता है, बीसीडी कोड क्या है, ASCII कोड क्या है, कोड कन्वर्शन कैसे करता है, लॉजिक गेट्स क्या है, ट्रुथ टेबल क्या है, प्रोपेगेशन डिले, ठीक है। तो आप एक इस वीडियो के एंड पे, ठीक इस वीडियो के एंड पे आप जो कमेंट सेक्शन, उस कमेंट सेक्शन में आप तो प्लीज़ मैं कहूँगा आप लोगों के लिए, प्लीज़ बता देना कि आपका यहाँ पर कोई सेक्शन से वीडियो अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोगों को एक बार जो एक रिक्वेस्ट कर देना, ठीक है। यहाँ पर हाफ एडर फुल एडर, तो यहाँ पर जो सारे जितने सारे चीज़ आप लोग पहले से ही पढ़े हैं तो उनको ऊपर स्ट्रेस देने से आपको मार्क्स मिल जाएगा। ऐसा नहीं, नया आपको तो 75 आउट ऑफ 75 में ही पाना है ना, वो तो क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो मैं ये मेरा मानना है कि इन सब चीज़ पे ध्यान दीजिए तो आपका नंबर मिल जाएगा, ठीक है। और देख लेते हैं क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट। देखिए कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये आपको मालूम है, बेसिक बाइनरी डिकोडर, 4-bit बाइनरी डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये सब आपको ऐसे ही मालूम है। देखिए सिंपल फ्लिप फ्लॉप SR लॉजिक, ठीक है, लैच SR लैच डी फ्लिप फ्लॉप, ठीक है, एच ट्रिगर डी फ्लिप फ्लॉप, JK फ्लिप फ्लॉप, मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ये सब है, ठीक है। अभी नया जो चीज़ है ये अभी स्टडी द लाइब्रेरी कंपोनेंट्स अवेलेबल इन द सर्किट सिमुलेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ पर आपको मत ध्यान दीजिए, ठीक है, ठीक है। थोड़ा बहुत काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर, बीसीडी काउंटर, ठीक है, बेसिक रजिस्टर टाइप्स एंड एप्लीकेशन रजिस्टर, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। तो ब्लॉक डायग्राम हो ऑप एम्प, सिंपल ब्लॉक डायग्राम हो ऑप एम्प से ध्यान दीजिए, ठीक है। 555 टाइमर का ब्लॉक डायग्राम के ऊपर स्ट्रेस नहीं देना है, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के एंड पे आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक जितने भी सारे पीएचए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उन लोग थोड़ा बहुत बता दीजिए कि आपको वीडियो किसके किसके ऊपर चाहिए, ठीक है। हम चले जाते हैं थर्ड सेमेस्टर, सेमेस्टर 3 पे, ठीक है। देखिए ट्रेड थ्योरी, ब्लॉक डायग्राम, DSO, CRO, ठीक है, ये सारे जो चीज़ है आप देख रहे हैं, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग के ऊपर, ठीक है, ये बहुत टफ है, ठीक है। आप लोगों के लिए नया चीज़ है, नई तरह से सीखना पड़ेगा, ठीक है। रेल घुमा फिरा कर बोल रहा है कि आप ITI पढ़ के फिर आओ, ठीक है, ये रेल का बात है कि आप ITI पढ़ के आओ, ठीक है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछ देगा तो टफ रहेगा, ठीक है। तो आप अगर बोले तो हम बहुत सारे वीडियो तो आप लेके ले गए हैं, लेकिन आपका क्या क्या ज़रूरी है ये प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। नहीं तो हम लोग खुद की तरह वीडियो अगर लेके आएंगे तो आपका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। जो वीडियो आपके लिए फ़ायदा होगा वही वीडियो के बाद आप करें, ठीक है। देखिए चेक सकते हैं ऑन बोर्ड चिप, ठीक है, तो इसमें ये समझ सकते हैं ये पीसीबी का रीवर्क है, पीसीबी वर्क है, ठीक है। तो पीसीबी का वर्क आप प्रैक्टिकल में बहुत कम करे होंगे, सोल्डरिंग डिसोल्डरिंग से लेकर, ठीक है, SMD टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो सरफेस माउंटिंग टेक्नोलॉजी को कहते हैं, ठीक है, उसमें एक पेपर के ऊपर जो लाइन जाता है, ठीक है, वो SMT टेक्नोलॉजी होता है, ठीक है। अभी वो आपको पढ़ने में और नया चीज़ को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा। ये चीज़ आप कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज़ इलेक्ट्रिशियन का थोड़ा बहुत था, MCB, ELCB, ठीक है, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर और मिनीचर सर्किट ब्रेकर, MCCB, तो आप सब देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है,
और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिकल कंट्रोल सर्किट, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर थोड़ा बहुत है, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रेस देख सकते हैं। और केबल सिग्नल डायग्राम, क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक केबल्स, ठीक है, यूटीपी, एसटीपी, एसटीबी केबल्स, केबल ट्रे, यहाँ पर आप स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आपको स्ट्रेस नहीं देना है, हम बताते जा रहे थे, यहाँ पर आपको स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है। यहाँ पर आप स्ट्रेस देंगे तो आपको और भी सारा प्रॉब्लम है, यहाँ पर भी आपको स्ट्रेस देना है नहीं है, ठीक है। आप FM डिमोडुलेशन मॉड्यूलेशन आपको पढ़ना है, देखिए सिलेबस में तो है, ठीक है, लेकिन आपको जस्ट 30 मार्क्स चाहिए, ठीक है। अब माइक्रो कंट्रोलर, थोड़ा बहुत माइक्रो कंट्रोलर में आप स्ट्रेस दे सकते हैं, ठीक है। माइक्रो कंट्रोलर 8051 जो है उसमें आप स्ट्रेस दे सकते हैं। यहाँ पर रहा RTD, ठीक है, सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा बहुत आप स्ट्रेस दे सकते हैं कि आपका मार्क्स मिल जाएगा यहाँ से, ठीक है, सेंसर ट्रांसड्यूसर एप्लीकेशन से। इसके बाद क्या है, IC एप्लीकेशन, ठीक है, यह थर्ड सेमेस्टर। और अब चले आए हैं फोर्थ, लास्ट सेमेस्टर में, तो देखते लेते हैं लास्ट सेमेस्टर में क्या है। देखिए लास्ट सेमेस्टर में जो है ऑप्टिकल फाइबर टेक्नोलॉजी है, ये इसका बेसिक्स आपको पढ़ के जाना है, ठीक है। डिजिटल पैनल मीटर, ठीक है, नया चीज़ है आप लोगों के लिए शायद, ठीक है। तो यहाँ पर आप स्ट्रेस मत दीजिए, मेरा मानना है कि SMPS यहाँ पर भी आप स्ट्रेस मत दीजिए, ठीक है। आपका स्ट्रेस देने के लिए, मार्क्स स्कोर करने के लिए बहुत सारा पेपर पहले ही था, ठीक है। यहाँ पर आप अगर नई तरह से देखिए, ये चॉपर आपको पढ़ना है, ठीक है, चॉपर, स्टेप अप स्टेप डाउन चॉपर, चॉपर आपको पढ़ना है, DC to DC कन्वर्टर, ठीक है, जिसको चॉपर हम कहते हैं, ठीक है, ठीक है। UPS में क्या है, इसके अंदर ऑफलाइन ऑनलाइन, ठीक है, इसके थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज आपको रहना पड़ेगा। इसके पर रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम पे ऊपर, PV सेल के ऊपर थोड़ा बहुत जानना आपको पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर सेलफोन की टेक्नोलॉजी, GSM CDMA टेक्नोलॉजी, ठीक है, मैं पूरा सिलेबस यहाँ पर दिखा रहे हूँ। और कहाँ पर देखिए, ITI का सिलेबस ही नहीं है, ठीक है, ITI का सिलेबस है, ठीक है, डिप्लोमा बीटेक का सिलेबस में ये थोड़ा बहुत नहीं था, तो आप समझ सकते होंगे कि उनमें आपको क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, लेकिन वीडियो के ख़त्म होने के बाद मेरा एक रिक्वेस्ट है, कितने कौन कौन सा थ्योरी के ऊपर आपको वीडियो आपको लेकर आना है, तो आप वो प्लीज़ बता दीजिएगा, ठीक है, वो हेल्प होगा। और हम कोशिश करेंगे जनरल इंजीनियरिंग के ऊपर आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर आया जाए, ठीक है, क्योंकि जनरल इंजीनियरिंग जो आपका ITI इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, ऑटोमोबाइल हो, जिसके ऊपर ही हो, तो आपका वो तो कॉमन चीज़ है सबके ऊपर, तो वो वीडियो हम पहले आप लोगों के लिए लेके आएंगे, ठीक है। तो मैं एक बार पूरा फिर से एक बार पूरा रिपीट कर देता हूँ, क्या है, पार्ट बी जो है, एक पार्ट ए पार्ट बी एक साथ होगा, तो पार्ट बी जो है वो क्या है, पार्ट बी जो है उसमें स्कोरिंग है, ठीक है, पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग है, वो स्कोरिंग नहीं है, ठीक है। पार्ट बी जो है वो सिर्फ क्वालिफाइंग है, उसमें आउट ऑफ 75 आपको 30 मार्क्स आपको चाहिए, ठीक है, ऐसा नहीं, उसमें बहुत सारा मेहनत कर दो, मेहनत जिसको आपको करना है पार्ट ए पे पढ़ना है। और स्ट्रेस वहाँ पर किस में दो, मैथमेटिक्स में दो, ठीक है, कोशिश करो कि 20 प्लस आपको मार्क्स वहाँ से मिल जाए, तो बहुत सारा स्कोर कैरी होगा, ठीक है। अभी पार्ट वन में जो, तो अभी जो CBT 1 चल रहा है, CBT 1 में क्या है, CBT 1 में जो है वो, CBT 1 में आप लोगों के लिए सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है, ठीक है, लेकिन CBT 2 ये रैंक डिसाइड करेगा, आप लोगों का रैंक डिसाइड करेगा, तो इसमें मैथ के ऊपर बहुत सारा स्ट्रेस दो। GI के ऊपर मैं कहूँगा कोशिश करो 17-18 स्कोर किया जाए, ठीक है, वो कुछ 7-8 क्वेश्चन ऐसा दे देगा, ठीक है, और फिर एक बार कहता हूँ 7-8 क्वेश्चन ऐसा दे देगा, कैसे दे देगा कि लॉजिकल वाला दे देगा, ठीक है। अभी जो ITI और डिप्लोमा तो आप समझ सकते होंगे, तो वो लॉजिकल वाला रीजनिंग हार पूरा साल भर प्रैक्टिस नहीं करता, ठीक है। अभी आप नया चीज़ के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे तो टाइम लगे, थोड़ा बहुत लगेगा। अब पुराना चीज़ आप वाटर इमेज, मिरर इमेज, फिगर के ऊपर, फिगर काउंटिंग, इसके ऊपर प्रैक्टिस करो, तो इसके ऊपर अगर आप प्रैक्टिस करो तो बहुत अच्छा होगा, रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। और जनरल इंजीनियरिंग में आपको बहुत सारा स्ट्रेस देना पड़ेगा, क्योंकि वो स्कोरिंग है, ठीक है, ठीक है, वो स्कोरिंग है। अभी जो और जो लास्ट सेक्शन है जिसमें जनरल अवेयरनेस है, ठीक है, उसमें कहाँ से कैसा क्वेश्चन, उसमें तो पढ़ना ही है आपको, कहाँ से क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मिस होएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा। और जो मालूम नहीं हो उसको आंसर आपको नहीं देना है, ठीक है, क्योंकि मैंने फिर एक बार बोलता हूँ, एक तो नेगेटिव मार्किंग है, फिर एक बार क्या है, एक बार नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, ESSC का तरह नहीं है कि सिर्फ नेगेटिव मार्किंग से चल जाएगा, इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है, ठीक है। आप गलतियाँ करेंगे तो आपका रैंक बहुत नीचे जाएगा, ज़्यादा गलतियाँ होगा आपका रैंक नीचे जाएगा, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो मैंने एक बार पूरा डिस्कस कर दिया और पूरा एक बार फाइनली बोल दिया जी क्या क्या चीज़ आपको मतलब
एक कॉम्पैक्ट चीज़ आपको जाना पड़ेगा, ठीक है, एक कॉम्पैक्ट होकर आपको जाना पड़ेगा। रेल ऐसे ही बोल दिया है कि जो लोग पढ़ेंगे, ठीक है, जो पढ़ाई करेंगे वही लोग को मिलेगा, ठीक है, कोई शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है, ठीक है, हम लोगों के लिए भी कोई शॉर्टकट प्रोसेस नहीं है, शॉर्टकट प्रोसेस से नहीं चलेगा रेल में। आप कोई आप नोट्स पढ़ के जाए कि ये बुक नहीं, आपको मालूम होना चाहिए बेसिक कुछ, ठीक है, बस उसी से आपको नौकरी मिल जाएगा। तो क्या क्या करना पड़ेगा CBT 2 के लिए, ये हम बता दें ऑलरेडी इस वीडियो में हम बोल चुके हैं। तो आपका फिर भी कोई वीडियो रिक्वायरमेंट रहा तो आप जो कमेंट सेक्शन है उसमें बता दीजिएगा, ठीक है, कमेंट सेक्शन में उसमें बता दीजिएगा, थोड़ा बहुत हम लोगों को हेल्प होगा, ठीक है, तो आपका रिक्वायरमेंट हम जान सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ये वीडियो वॉच करने के लिए, और जो लोग ये वीडियो वॉच कर रहे हैं और चैनल स्टडी गाइड को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर चैनल स्टडी गाइड को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि नया नया जो वीडियो आने वाला है वो आप सबसे पहले ही आपको दिख जाएगा। थैंक यू।